शिक्षा नहीं है, मुझे उससे पता नहीं, जनता सब देख रही है। आज की तारीख में डॉली शर्मा एक तरफ के दिखाई है, ये सवाल आप भाजपा वालों से करिए। डॉली से पहले भी हमने दिखाया था और इस बार भी हम वोट मतोड़ेगा। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार, जिसने चमत्कार कर दिया है, चिकित्सा शिक्षा मुफ्त और अच्छी चिकित्सा अच्छी शिक्षा दिल्ली में, जिन्होंने उदाहरण दिया जैसे यूरोप में होता है, उसका फर्क मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ। आम आदमी की पार्टी शर्मा इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही सम्मानित मंच। और मेरे सामने खड़े मेरे भाई वोटर है, और हर पार्टी, चाहे मेरे समाजवादी पार्टी के भाई बहन हो, चाहे आम आदमी पार्टी के भाई बहन हो, और चाहे कांग्रेस के भाई बहन हो, एक प्रत्याशी होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती और साथ के साथ माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे अलावा किसी भी प्रत्याशी, अगर कोई भी होगा, संभव नहीं है हर किसी से पहुंचना, संतुष्ट करना और नाराजगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, लेकिन अगर कोई छूट जाए अनजाने में या किसी चीज में, तो नाराज मत होना। ये बहन हाथ जोड़कर विनती कर रही है आप सबसे, क्योंकि अगर हमने ये चुनाव जीत लिया तो ये मैं नहीं जीतूंगी चुनाव, आप सब चुनाव जीतेंगे। ये गाजियाबाद की सीट मैं सांसद नहीं बनूंगी, यहाँ का एक एक व्यक्ति सांसद बनेगा ताकि और लोगों के काम हो, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी हम देख रहे हैं वो लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद काम किसी का नहीं करते। हमें जीत कर पहले लड़ना है, जीतना है, और फिर लोगों के काम करने। डॉली शर्मा जिंदाबाद, डॉली शर्मा जिंदाबाद। जितने आप लोग मजबूत होंगे उतनी मैं मजबूत होंगी, जितने आप लोग लोगों के काम मेरे पास लेकर आओगे उतने हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। और इनके पांच विधायक एक तरफ और आपकी एक बड़ी बहन एक तरफ, लेकिन वो आप किसी के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। ये एक हवन है जिसने आहुति आप सबको देनी है। मेरे साथ हाथ जोड़कर मेरे साथ बड़े सम्मानित मेरे भाई जाकिर जी खड़े हैं, एमएलए रहे हैं, उन्होंने चलाया है संसाधन, बड़े वरिष्ठ मेरे भाई जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, यहाँ जितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं है उसका धन्यवाद करने के लिए, शब्द नहीं है। और आज से ये लड़ाई अगले वोटिंग के दिन तक आप ये समझ लीजिए महाभारत, महाभारत का युद्ध है, जहाँ पांडवों को उसमें हमें चाहे कुछ करना पड़े हम इन्हें हराएंगे। अब चुनाव यहाँ से रणनीति से लड़ना है। कोई अगर छूट जाए, भैया मेरा नंबर है, फोन कर लो, मैं खुद फोन उठाता हूँ। मैं बहुत जगह कॉलोनी में भी जा रही हूँ और कॉलोनी के लोग कह रहे हैं कि आदमी पार्षद बन के फोन नहीं उठाता, बहन जी आप सांसद का चुनाव लड़ रही हो, राष्ट्र प्रवक्ता हो, आप खुद फोन उठाती हूँ। वो फोन इसलिए मैं उठाती हूँ कि कोई छूटे ना, और अगर कोई छूट गया तो मैं कॉल बैक कर लूँ। समस्या है लोगों की सुनी जाए, जानू पाटिल वो आपसे कहीं पीछे नहीं है, आपके सारे विधायक एक तरफ, और हम काम अपनी एक सीट से करके दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जी। और कुछ ऐसे नेता भी देखे जा रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों में गठबंधन हो गया, वो सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह रही है? देखिए ना, ना डर कहीं नहीं है, इस बार पूरा इंडिया वोट करेगा, खास तौर से हमारे गाजियाबाद में वो लहर है जो पिछले 20 साल में आपने नहीं देखी होगी, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वो गढ़ ढह गया है। सर्व समाज, अभी लोग कोई रमज़ान में थे, नवरात्रे चल रहे हैं, वक्त ऐसा है नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हर आदमी ने अंदर से दिल बना लिया है कि इस सरकार को बदलना है। चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे आपके, स्थानीय मुद्दे हैं कितने? सारे मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे पे आएगा सत्ताधारी पार्टी? सबसे पहले अपने पीछे सड़क देखिए आप, पूरी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इससे बुरी सड़क नहीं होगी। दस साल से क्या हो गया, पूरे देश की सड़कें चमचमा रही है मोदी जी। भाई हमारा आदमी जो लोनी का आदमी है, लोकल मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दे में हम तो लोनी की सड़क को जानते हैं। शिक्षा नहीं है यहाँ की, स्कूल,
चिकित्सा स्कूल ये जो कॉलेज जो हॉस्पिटल बन रहा है समाजवादी पार्टी की देन है, लेकिन 10 साल में अभी तक वो भी बन के तैयार नहीं। विधायक जी, मौजूदा विधायक तो कहते हैं उन्होंने लोनी में बहुत विकास किया है। भाई कोई क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं, जनता सब देख रही है। जनता इस चुनाव किससे टक्कर किससे मान रहे हैं आप लोकसभा? आप बताइए, आप सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज की तारीख में डॉली शर्मा एक तरफा चुनाव जीत रही है, सर्व समाज डॉली शर्मा जी के साथ। जनता कह रही है कि डॉली तो आज पहली बार देखने को मिली है डॉली के अंदर, इससे पहले कोरोना समय में देखने को नहीं मिली हमें। कोरोना समय में थी, हम थे डॉली शर्मा के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं। गठबंधन हो गए तो आप थे, हम थे। कांग्रेस कहाँ थी कि कहाँ नहीं, कांग्रेस कहीं गाजियाबाद में भी थी, लोनी में भी थी, काम कर रहे थे कार्यकर्ता। जमीन पर नहीं दिखाई दी आज गठबंधन हो गए भैया। आज आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे थे। आप हाथ मजबूत करिए, जब किसी पद पे होंगे गाजियाबाद पे फिर आपको करके दिखाएंगे। ये सवाल आप भाजपा वालों से करिए जो प्रत्याशी बनाए हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपने घर में ताला लगा लिया था। मेरे वैश्वे समाज के भाई गाजियाबाद के, वो कह रहे हम मंच पे आके कहेंगे हम उनका भाई मर गया दवाई के लिए, राज्य मंत्री थे इन्होंने दरवाजे नहीं खोले। उनसे भी करिए ये सवाल। क्या मुद्दे रहेंगे लोनी के? लोनी के लोकल मुद्दे, लोनी को आज तक हाईवे नहीं मिला, सड़क नहीं मिली, लोग परेशान है 20 सालों से, और लोनी में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। लोनी में जो यमुना नहर है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको नाला बना दिया गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज अस्पताल ये बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेडियम महिलाओं के लिए, क्योंकि एक यहाँ पर ग्रामीण शहर के साथ ग्रामीण इलाका भी आता है, बच्चियों को स्कूल और कॉलेज दूर नहीं भेजा जाता। तो लोनी में अपना शिक्षा स्वास्थ्य अस्पताल सारी चीज़ें होना चाहिए ताकि लोग अपने काम करें, उनको सुविधाएं मिले। कोरोना जैसी महामारी में हमने देखा कि गाजियाबाद में इतनी भारी जनसंख्या के बाद भी मौलिक सुविधाएं नहीं, वो सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए। गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में किसानों को MSP मिलना चाहिए, जो हम कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है कि हम देंगे। इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ होगा। यहाँ बहुत सारा श्रमिकों का एरिया भी है, वहाँ 400 रुपये का श्रमिक हम दें उनको रोज़ का हम गारंटी देंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस 25 लाख तक का मुफ्त हम देंगे। उसके अलावा आप देखिए, हमने महिला न्याय में 1 लाख रुपये महिलाओं को देने का सोचा है, 50% सरकारी नौकरियाँ। इसके अलावा आशा बहू और आंगनवाड़ियों की सैलरी बढ़ाना। युवा न्याय की अगर हम बात करें तो 30 लाख की सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे, 1 लाख रुपये अप्रेंटिसशिप मिलेगा उन्हें। इसके अलावा हम युवाओं का 5,000 करोड़ रुपये स्टार्टअप फंड के लिए एलोकेट करेंगे, जिसमें वो अपना कोई नया रोजगार खोलना चाहे तो कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार उनकी मदद करेगी। मैडम देश में महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर घर की कमर तोड़ दी है। इनके नारे उल्टे हो गए, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इन लोगों को 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था और इनके राज में 1200 रुपये का सिलेंडर सस्ता लगता है, तो इनका हर नारा जुमला बन चुका है। आज 60 रुपये का तेल 220 रुपये का हो गया है, जनता की महंगाई के कारण कमर टूट चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी नीतियाँ लाएं, जैसे आर्थिक नीति हम लाए हैं, महिला को 1 लाख रुपये देना, मतलब 8,500 रुपये महीना देना, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी सरकार के लिए। 8,500 रुपये में उनके घर का राशन खाना पीना चल सकता है, तो ये सब हम प्रोवाइड करने का काम करेंगे ताकि आर्थिक रूप से भी हम परिवारों की मदद कर पाए। रोजगार की बात की जाए तो लोनी से अधिकतर लोग दिल्ली जाते हैं, लोनी में रोजगार नहीं है, इसको लेकर क्या कहना है? जब यहाँ अस्पताल खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएं काम करने, क्योंकि यहाँ के बच्चों को अगर यहाँ रोज़गार मिलेगा तो उनकी जो एफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ेगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। हमारा मुद्दा है लोनी का विकास। लोनी कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा हुआ रह गया है, गाँव में लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है। आप देखिए, हम जाते हैं यहाँ से तो सड़कों पर खंभे भी तक नहीं है जिन पर पोल पर लाइट लगती है। बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इन पर काम करेंगे। मेरा ध्येय है जनता के लिए काम करना। मैं नेताओं के नाम पर वोट मांगने नहीं आई, मैं काम के नाम पर वोट मांगने आई। लोनी की जनता के साथ मैं खड़ी रही हूँ, चाहे लोनी में जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी हो उनके घर जाना हो, उनकी समस्याओं के लिए करना हो, चाहे बाढ़ में जब कोई नहीं आया मैं आई, राशन तक हमने बांटा, हमने लोगों के लिए काम किया। हम अपने काम के नाम पर बोल रहे हैं। जब बिना सत्ता में रहकर हम काम कर सकते हैं तो जब सत्ता आएगी तो हम काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे ताकि हमारे लोनी का विकास हो। तो MMG कांग्रेस ने बनाया, उससे भी भाजपा का कोई सरोकार नहीं। तो जो आज तक दिया है, चाहे यहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ कटी हुई जिनमें लोग रहते हैं, वो भी कांग्रेस ने दिया है। लोनी से पूछिए, जो आज ये राष्ट्रमार्ग है ना, ये कांग्रेस की देन है, लेकिन उसके बाद बनाया नहीं गया है।
तो कहने का मतलब ये है कि लोनी की पानी की निकासी, पानी की समस्या, हाईवे की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या, इन पर हम काम करेंगे। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम पर काम करेंगे। जल्द से जल्द प्राथमिकताएं होंगी, हर विधानसभा के अलग काम होंगे। ये जनता का सांसद होगा, मोदी का सांसद नहीं होगा। दिल्ली सारण, जैसे कि लोनी के अंदर काफी जल निकासी की समस्या है, जब भी बरसात होती है तो सड़कों पर पानी देखने को मिलता है, नाव चलती है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सारण? वही तो आपको कह रही थी कि दिल्ली और सहारनपुर हाईवे सबसे पहले हम बनाने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने भी वादा किया था, पिछली सरकारों ने वादा किया, हम गारंटी देते हैं। मैडम बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, क्या कुछ है? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, तो क्या मैनिफेस्टो में देंगे? जो पहले बोला था, क्या अस्पताल मिल गए, क्या स्कूल कॉलेज स्टेडियम मिल गए, नहीं मिले ना, क्या सड़क मिल गई, नहीं मिली ना, तो बोलेंगे क्या मैनिफेस्टो में? मोदी जी यहाँ आकर फेल रोड शो करके चले गए, क्या कुछ बोल पाए जनता के लिए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया? वो अपने 10 काम बता दे। 2014 में 3 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया था बीजेपी ने, इस बार भी क्या उस तरह से काम? अब बदलाव चाहती है, अब गारंटी पे विश्वास कर रही है।